मन की बात आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव दायके फिल्म्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक छोटा सा गाना जो मैंने खुद लिखा, उसको जो उसकी पिक्चराइज है वो मेरा है, एडिटिंग भी मैंने करी है, लेकिन जो कंपोज करा वो नीलम नारायण जी ने करा है, और उसको जो एक प्यारी सी आवाज़ दी है वो सुर श्री है, एक छोटी सी प्यारी बच्ची। उसने जब मैंने गाना लिखा तो नीलम नारायण जी इसको कंपोज करके, तो हमने सोचा कि इससे गवाया जाए, तो छोटी सी गुड़िया उन्हीं की बेटी जब उसने गाया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा गाया उसने। उसका जो हमने टाइटल रखा था ओरी नारी तेरी कहानी। तो दोस्तों आप अभी बस मेरे बाद ये गाना एक चलने वाला है, आप उसे ज़रूर सुने। हकीकत को है
किसने जाना, सच्चाई से हर कोई है जाना, हकीकत को है किसने दोस्तों। हमारा जो शो ज़िंदगी की हकीकत जो अभी पिछले रविवार को लॉन्च हुआ, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप सभी का। इसी तरह आप अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखें। दोस्तों अगला जो एपिसोड है वो 14 तारीख को रविवार के दिन ब्रॉडकास्ट दाई के फिल्म्स चैनल से होगा, तो आप उसे भी देखें और अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों आज मैं आप सभी के सम्मुख आने का मेन अहम जो मेरा मतलब है वो है कि मैं आपको दाई के फिल्म्स का जो आरंभ या शुरुआत कैसे करा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों हम एक जब नई शुरुआत करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। दोस्तों एक्टिंग का तो मुझे बहुत ही शौक़ रहा है और रहेगा। दोस्तों मैं जब कॉलेज टाइम में था तो लोग कहते थे मैं ये बनूँगा, मैं रिपोर्टर बनूँगा, मैं बिजनेसमैन बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। हर किसी का अपना अपना सपना होता है। ऐसे कॉलेज टाइम में जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनका भी अपना अपना अलग अलग शौक रहा। जब टीचर्स ने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने सबसे पहले बिना किसी हिजक के मैंने यही कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वहाँ पे मौजूद सभी जो साथ वाले विद्यार्थी थे वो हंसने लगे, तो मुझे कुछ मतलब बुरा नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, हंसना, जब हम कोई नया काम करते हैं तो लोग ज़रूर हंसते हैं। तो वहाँ से मेरा जो पहली जो शुरुआत थी वहाँ से स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने एल्बम भी निकाली, भोजपुरी एल्बम थी, क्योंकि मेरा क्या था, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं का जो मदर टंग है उसको लेकर भी
चला जा सकता है। वैसे मेरा जो बर्थ है वो अंबाला में ही है, तो यहाँ की जो मिट्टी है इससे भी मुझे प्यार है, और जहाँ मैं थोड़ा पला बड़ा वहाँ से भी मुझे प्यार है। दोस्तों, मीन दाई की फिल्म की शुरुआत के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, मेरी तरफ से तो कोई वो नहीं है, अभी भी हैं। वो अपना जब उन्होंने चैनल खोला तो उन्होंने अपना डायरेक्शन का, प्रोडक्शन का, कई उन्होंने अपना मुंबई से कार्ड बनाया। तो दोस्तों, मैं जब उनके साथ जुड़ा, वो मेरे साथ जुड़े, तो हमने एक दूसरे के लिए काम करना स्टार्ट करा। मेरे को सभी चीज़ आते थे, मैं एक्टिंग भी करता था, वो गाना ऑडियो मेरे को भेजते थे तो मैं वीडियो बना के अपने वे तो मैं उनको भेजा करता था। दोस्तों, जब मैं कुछ एल्बम जब निकाले थे उसमें मुझे बहुत नुकसान तो हुआ था, बट ये है कि मतलब तो मैंने ये चीज़ ज़रूर सीख ली कि नए आर्टिस्ट को हर जगह बेवकूफ़ बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने जब ये ठाना तो मैंने कहा मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ होगा या हो सकता है। तो मैंने पहले तो अपने सर्कल में जो मेरे मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनको साथ लिया। उन्होंने कईयों ने तो मुझे कहा भैया मैं एल्बम निकालना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप पहले अपने आप को देख लो, आप अच्छे हो, आप एक्ट कर सकते हो, सब चीज़ ठीक है, बट एक बार अपना रिज़ल्ट आप देख लो। तो ऑडियो जब मेरे पास आती थी तो मैं उनको वीडियो बना के मैं उनको उसके चैनल पर डाल दिया करता था। तो धीरे धीरे अच्छा रहा, मैं मदद करता रहा और अच्छा भी लगा। जो मेरे मित्र रहे हैं उन्होंने थोड़ा शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिनकी वजह से वो अलग हो गए मेरे से, लेकिन मेरा काम रुकना नहीं है। मैंने कहा कि मैं अगर दूसरों के लिए काम कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए करूँ, और मैं दूसरों को चांस तो दे ही रहा हूँ, तो अगर मेरा अपना चैनल होगा तो अपने चैनल से मैं अपने आप को तो कभी धोखा नहीं दे सकता, वो तो चलता रहेगा, मेरे साथ आर्टिस्ट जुड़ते रहेंगे, वो भी आगे मेरे साथ काम करते रहेंगे। तो इस तरह फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा। पहले तो इतना वो नहीं था, जब अच्छे लेवल पे मुझे लगा कि चलो और ज़्यादा जुड़ने लगे मेरे साथ मेरी टीम में, तो मैंने उसको अच्छा सा करा। फिर मैंने शॉर्ट फिल्में बनाना स्टार्ट करी। द एके फिल्म्स में जब पहले जो वीडियो डली वो सबसे पहले थी हमारी मदद, और भी कई ऐसे जो मैं फेमस बता सकता हूँ क्योंकि इतनी सारी वीडियो शॉर्ट फिल्म बना चुका हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि कौन सी पहले बनाई कौन सी बाद में। दोस्तों, डायरेक्शन लाइन में अभी आना पड़ा। रीज़न इसका भी रहा है कि डायरेक्शन करने का मेरा रीज़न ये रहा है कि मैं जो चीज़ चाहता था वो रिज़ल्ट नहीं निकलता था कि मैं इसको कैसे अच्छा सा बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ क्लासें लगाई थी, तो उसमें मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसा डायरेक्शन करते हैं, तो अपने फिल्मों में उस चीज़ का यूज़ करने लगा। मैं आपको अपनी फेवरेट्स कुछ मूवीज़ जो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई उनका नाम लेना चाहता हूँ। जैसे योर चॉइस है, आप उसका टीज़र देख सकते हैं। मैं जिन जिन फिल्मों का नाम ले रहा हूँ बीच बीच में मैं उनका टीज़र ज़रूर आपको दिखाऊँगा। एहसास हो गया है, ठीक है ना, योर चॉइस, मेंटली टॉर्चर, नेकी कर दरिया में डाल, लॉकडाउन 3.0, ना किसी के आन बान शान से कुछ लेना है न देना है। इस फिल्म का संबंध केवल एंटरटेनमेंट से है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग लाइन में भी रहा हूँ। कई इसमें मैंने डायरेक्ट करा है और साथ में एक्ट भी करा है। ऐसे मेरी मुलाकात जब मैं ए राकेश जी हमारे साथ जुड़े थे, साहिल इरफान शाह जी, तो उन्होंने एक
जब हम उनसे मिले तो उनका उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो उनके लिए भी काम करा। सबसे पहले हमने एक सिनेमैटिक हम स्टेज बोल सकते हैं जिसका नाम था जलता इतिहास। उसमें इतिहास जो हमारा इंडिया है उसके बारे में डिस्कस की गई थी। उसके अंदर हमने जैसे लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, मैं और साहिल, हम दोनों ने साथ में उसमें किया। उसे देख के तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, आदित्य पुंज जी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये। मैं इसकी सारी वीडियो देखी तो इनका फ़ोन आया मुझे कि पहले उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई थी तो उसके लिए उन्होंने जब मुझे कॉल करा, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो। पहले उन्होंने एक गुंडे की लीड के लिए कहा तो मैंने मना नहीं करा, मैंने कहा चलो कोई भी है हम आपकी मदद करेंगे। फिर उसके बाद फ़ोन आया कि सर आपका दूसरा रोल चेंज हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ, SAJN कॉलेज, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जो जैन हमारी संस्था है मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, आज इस मुकाम पे हूँ, शायद वहाँ से भी गुरुओं का आशीर्वाद है दोस्तों। फिर उसके बाद मेरे को ज़्यादातर सैटरडे और संडे ही टाइम मिलता था, तो हमने वेब सीरीज़ करी तो अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका भी। फिर उसके बाद काफ़ी दिन बाद एक बबलू ASI फिर से फ़ोन आया आदित्य पुंज का कि सर हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं बबलू ASI। तो मैंने कहा कोई बात नहीं हम काम करते हैं। उस टाइम छुट्टियां भी चल रही थी कॉलेज में, तो हमने उस पर काम करा और बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं अपने लेवल पे हिट करा हमने उसको। अच्छा डायरेक्शन था, सब कुछ अच्छा था, कैमरा एंगल अच्छा था, हमने अच्छा टाइम स्पेंड करा। सर्दियाँ थी, ऑन द स्पॉट कई चीज़ें हुई हैं, अच्छा लगता है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं, जब चेंजिंग करते हैं तो उसमें कितना, मतलब एक चीज़ जो सोचा हुआ है फिर अचानक उसको तुरंत सोचना, नई क्रिएशन करना, करेक्टर कितने बार चेंज हुए थे जो साइड में थे, बट अच्छा रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं अपनी कंपनी के साथ दाएके फिल्म तो है ही है, मैं उसके साथ, वो तो मेरा खुद का है, मैं अपना प्रोजेक्ट उसके लिए भी काम करता हूँ। मेरे एक उड़ीसा के एक क्लासमेट हैं दीपक निहाल, वो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात हुई। तो मैंने जब एहसास बनाई तो मैंने कहा इसे तुम अपने साइड लॉन्च करो, क्या आता है रिस्पॉन्स मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने एहसास लॉन्च करा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोस्तों। कहते हैं कि कोई भी काम अगर आप करने जाते हो तो अकेले तो कभी आप कर ही नहीं सकते, इसके लिए एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरे साथ अच्छे कलाकार जुड़े हैं, और ये नहीं है कि अगर वो एक्टर हैं तो वो एक्टिंग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि आप एक्टर हो बेस्ट है, आप उस पर प्रोफेशन एकदम होना चाहिए आपका। लेकिन कई जगह जब मैं एक्ट होता हूँ तो सामने वाला अगर एक्टर मेरे साथ है तो मैं कहता हूँ यार तुम कैमरा हैंडल कर लो, तुम्हें क्या करना है, सेटिंग करके दे देता हूँ, थोड़ा बता भी देता हूँ, ताकि आगे कभी होता है जहन में होता है कि मैं भी कुछ बनाऊँ, तो इस तरह फिर वो काम करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं अभी, हमारी दो फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्म है, एक तो शूट हो चुकी है, सिर्फ उसके गाने रह गए थे, एडिटिंग रह गई है, अभी तो काफ़ी काम है, लॉकडाउन चल रहा है, और कुछ ऐसा हो जाता है कि जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हमारे कलाकार बिजी रहे कुछ, तो इस तरह वो काम रुका रहा। फिर एक और हमने जो दूसरी है वो आधी हो चुकी है, वो भी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हम दोनों जो मूवीज़ हैं मेरी, इसको मैं ज़रूर आप सभी के समक्ष लाऊंगा। और इस दौरान हमारे साथ जो जुड़े हैं
तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जो प्रोड्यूसर होता है उसका बहुत अहम रोल होता है, अहम, क्योंकि बिना उसके अगर हमारे पास चाहे जितना सोच है, स्क्रिप्ट अच्छी है, सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो हम उसे बना नहीं सकते। अगर पैसा आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमारे साथ गुरुसेवक जी हैं, वो जुड़े तो एक कहते हैं जज्बा निकला कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्टार्टिंग जब भी करते हैं तो थोड़ा डाउन में होता है, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता है, और अच्छा लगता है कि आप सभी का प्यार मिल रहा है। इसको देख के हमारे अंदर, हमारी जो टीम है दाइके फिल्म्स की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जग रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। बट आपके साथ का भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको हमेशा शुक्रिया अदा करता रहूँगा और करता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे 2-3 दिन पहले हमारे साथ एक राइटर कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे क्लास मेट भी रह चुके हैं, कॉलेज, हम गवर्नमेंट कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। उनका स्ट्रीम अलग था, मेरा अलग था, लेकिन हम स्टेज शो करते रहते थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद उनका अपना रास्ता, मेरा आज मैं यहाँ हूँ। तो अचानक वो एक बार मिले, उन्होंने भी अपने, हम जो ये शूट कर रहे हैं इसके अंदर जो हमारे कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने अपने जो मन की बात वो आप सबसे शेयर करेंगे, कर रहे हैं। तो ये जो आज जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये मेरे मन की बात है। तो दोस्तों, जब हम एक जगह पे मिले तो फिर हमने एक दूसरे से बात करी, फिर धीरे धीरे अभी हम मिले जब दोबारा, तो उन्होंने कहा मेरे पास कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा भेजो मेरे पास, करे एक वेब सीरीज़ के लिए है, शॉर्ट फिल्म के लिए है। तो मैंने स्टोरी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने एक आधे को और जो हमारे टीम में है उनको भी शेयर करा, तो हमने सोचा कि हम इस पर काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि मेन क्या होता है, अगर जो सोशल इश्यूज़ पे होता है तो हम उस चीज़ को, कोशिश होती है हमारी कि हम उसको बना ही डालें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि अगर दुनिया में कोई परिवर्तन हो, सामाजिक मुद्दे जो इतने सारे हैं उसमें अगर कुछ भी बदलाव हो जाए, वो हमारे लिए सबसे अहम बात है। दोस्तों, मेरे अलावा कई ऐसे महान हस्तियाँ हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये कोरोना जो महामारी फैली हुई है, इसका तो बहुत ही डर लगता है। हम भी अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम सुरक्षा के साथ कर रहे हैं, ज़्यादा हम क्राउड नहीं करते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने कैमरा, हमारी मिसिज है उन्होंने सेट करके मैंने उन्हें दिया, उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। इस टाइम कोई नहीं है, हम जो दूसरी अभी बीच में हमने जो बनाई है, सोलो एक्ट भी बनाया है, तो वो भी हमने आपस में बनाया। हम बाहर कहीं शूट नहीं करते, घर के आसपास ही करते हैं, और जो सुरक्षा है उसका विशेष ध्यान देते हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये मेरे मन की बात है। मैं कुछ हमारे जो मित्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जो हमारा एपिसोड ज़िंदगी की हकीकत आ रही है, जो उसमें हमारे मेहमान हैं, अभी आपने देखा पिछले बार भारत सपूर जी हमने अपने दिल की बात, अपनी ज़िंदगी की बात हम सभी से शेयर करा। अभी जो 14 तारीख को एपिसोड आ रहा है उसमें सरिता जी हैं, और भी ऐसे हैं, डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्नेही जी हैं, डॉक्टर नीता जी हैं, और लव सिंह जी हैं, और भी हैं, मैं उनका मतलब इतना नाम लूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे टीम के एक सक्रिय जो सदस्य हैं, वैसे तो सभी काम कर रहे हैं, कुछ बैक पे कर रहे हैं, कोई हमारे शेयरिंग पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर एक दो बंदों का नाम लेता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि यार मैं इनसे ज़्यादा जुड़ा हूँ, बाकियों से नहीं जुड़ा हूँ। जो जहाँ भी है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, चाहे उस पे टाइम नहीं होता, अगर पर्सनल नहीं कर पाता तो वो सोशल मीडिया पे शेयरिंग के साथ हम सभी के साथ जुड़ा है। दोस्तों, अभी मैं अपने जो वाणी है उसको विराम देने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। अभी मेरे बोलने के बाद एक छोटा सा गाना जो मैंने खुद लिखा, उसको जो उसकी पिक्चराइज है वो मेरा है, एडिटिंग भी मैंने करी है, लेकिन जो कंपोज करा वो नीलम नारायण जी ने करा है, और उसको जो एक प्यारी सी आवाज़ दी है वो सुर श्री है, एक छोटी सी प्यारी बच्ची। उसने जब मैंने गाना लिखा तो
नीलम नारायण जी इसको कंपोज करके, तो हमने सोचा कि इससे गवाया जाए। तो छोटी सी गुड़िया, उन्हीं की बेटी, जब उसने गाया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा गाया उसने। उसका जो हमने टाइटल रखा था, ओरी नारी तेरी कहानी। तो दोस्तों आप अभी बस मेरे बाद ये गाना एक चलने वाला है, आप उसे ज़रूर सुने। अगर आप, कई बार क्या होता है पिक्चराइज अच्छी नहीं हुई है तो आँख बंद करके इसको सुने। आपको दिल से कुछ, आपको मतलब कुछ एक नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। आपके पास भी अगर ऐसा कोई मैटर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ऐसे पर्सनली मिलें, अगर संभव नहीं है तो आप कहीं से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक जो पेज है दाई की फिल्म्स, उसके साथ जुड़े, उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप वहां से जाके भी कर सकते हैं। जो ये हमारा जो आज मन की बात जो एपिसोड है, ये भी आप जब हम इसको डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, उन सबका उत्साह बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना गुरसेवक सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले काफ़ी समय से दाई के फिल्म्स, हम इकट्ठे टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी सोशल इशूज़ पे बहुत सारा काम किया है। और इसी तरह ही हमारा एक एपिसोड जिंदगी की हकीकत, जो आप सबके सामने इस 7 जून को आपके समक्ष पेश हुआ था। इस जिंदगी की हकीकत के बारे में जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर अनिल जी मेरे पास आए, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और बहुत ही अच्छा वो काम भी कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे बताया कि हर फेमस इंसान को हर कोई मशहूर करना चाहता है, पर एक कॉमन इंसान जिसे कोई मशहूर करना नहीं चाहता, तो उसके बारे में जब उन्होंने मुझे बताया कि एक हमें कॉमन इंसान के ऊपर ही इंटरव्यू लेना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, उनके बारे में बात करनी है कि वो कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में और कैसे वो इस मुकाम पर पहुँचे कि आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे उनका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और मैंने अनिल जी को तभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हामी भरी। अनिल जी जब ये कॉन्सेप्ट लेकर मेरे पास पहुँचे और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और मैंने उन्हें तुरंत ही इसके ऊपर काम करने के लिए कहा कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द काम कीजिए। जो भी आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत आती है, फाइनेंशली कोई भी किसी भी रिलेटेड दिक्कत आएगी, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और आज हम उसके ऊपर काम कर भी चुके हैं, काफ़ी काम हमारा हो भी चुका है। और जो आपको मैंने अभी बता के हटाऊँ अभी पहले कि 7 जून को हमारा उसके ऊपर पहला एपिसोड आ भी चुका है और अगले संडे यानी कि 14 जून को हमारा दूसरा एपिसोड उसके ऊपर आने वाला है। ये आम लोगों की कहानी है जिससे लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं और आप सबका इसके ऊपर रिस्पांस जो हमें मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी के रिगार्डिंग हम सोच रहे हैं कि हम कुछ और अच्छा करके दिखाएं आपको, और हम कुछ और अच्छा करने के लिए आप सबका साथ हमें बहुत अच्छा चाहिए। और उसके साथ साथ हमें कुछ नए टैलेंटेड लड़कों का, कोई भी टैलेंटेड इंसान हो, नए कलाकारों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी अगर ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा कलाकार जो है जिसके पास कोई भी टैलेंटेड है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। ऐसे ही हमारे एक कलाकार साथी हमारे साथ और जुड़े हैं, जो अच्छा, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और वो हमारे पास हमारा ज़िंदगी की हकीकत जो प्रोग्राम था उसको देख कर हमें मिले और उन्होंने हमारे अपना कॉन्सेप्ट दिखाया, उसके ऊपर हमारी बात भी हुई। अनिल जी भी वहाँ साथ में थे हमारे, वो कैलाश जी के साथ जब हमारी बात हुई तो हमें उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द काम शुरू भी करने वाले हैं, क्योंकि हमें अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे कलाकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको हर कोई उठाना नहीं चाहता, बट हमारा मोटिव ये है कि हम सोशल इशूज़ के साथ साथ अपने जो लोकल कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा कुछ कर सकते हैं, उनको थोड़ा आगे ले जाएं। दोस्तों आप जो हमारी ये वीडियोज़ हैं, हमारा जो ये काम है, जो भी हम कर रहे हैं लोगों को उठाने के लिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है द ए के फिल्म्स, जो हमने बहुत काफ़ी पहले बनाया था, बट हम उसके ऊपर किसी वजह से काम नहीं कर पाए। चाहे ये कह लीजिए कि हमारे पास अच्छे कलाकार नहीं थे या हम उतने डेवलप नहीं थे कि हम उसके ऊपर काम कर पाए, पर जब मैं अनिल जी से मिला, अनिल जी मुझसे मिले, तो ऐसे कर करके हमारी एक टीम जो तैयार हो गई और उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब जब द ए के फिल्म्स जो यूट्यूब चैनल है हमारा,
जब आप उसके ऊपर जाओगे तो उस वहाँ सर्च करोगे तो आपको हर चीज़ की तरह जो सोशल इश्यूज़ हैं, हमने किस तरह उसके ऊपर काम किया है, चाहे नशे के ऊपर है, चाहे ट्रैफिक रूल्स के ऊपर है, और ये जो आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में है जो हमने काम स्टार्ट किया है, आप सब उसको जाके देख सकते हैं। उसको हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो दोस्तों, जो हम ये काम कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर, बट हमें कैसे पता लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी राय हमें दें कि हमने क्या कमी की है या हम कहां अच्छा कर रहे हैं, हमें बताएं, हमें गाइडेंस करें। क्योंकि ऑडियंस जो गाइडेंस कर सकती है वो हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमें अपना काम अच्छा ही लगता है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा सोशल इशू है जो समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, या कोई भी चेंज जहां आपको दिखता है कि ये ज़रूरी है, हमारे देश में ये घट रहा है तो इसके ख़िलाफ़ ऐसे होना चाहिए, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। हमारे जो द AK फिल्म्स जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर नीचे जाएं, अपना कमेंट दें, और इसके साथ साथ हमारा FB पेज भी है, आप उसके ऊपर भी हमें अपना ही राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसके ऊपर भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं, दुनिया से हटकर कोई भी काम हम शुरू करना चाहते हैं जो हमारा समाज नहीं करना चाहता, तो लोग आपके ऊपर हंसते ज़रूर हैं। और ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, जब हम भी कैमरा लेकर या हमने कोई भी शौक छोटा मोटा किया तो हमारे ऊपर, और अनिल जी मेरे साथ थे, हमारे लोग हंसी उड़ाया करते थे, हमें किसी भी बात पर कुछ ना कुछ चिढ़ाते ज़रूर थे। तो उसी हंसी में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमें खुद नहीं मालूम था। और आज वही लोग हमें बोलते हैं कि यार हमारे लिए भी कोई सीन है, यार हमारे लिए हमारा भी शूट कर दो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग हमें हमारी हंसी उड़ाते थे, आज वो हमारे साथ बहुत जुड़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अपने साथ रखा ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और इसी तरह आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है। टैलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप उस टैलेंट को दिखाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा बात न करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं नेहा, मैं द AK फिल्म से जुड़े सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। हमारी टीम सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारा शो जिंदगी की हकीकत का एक एपिसोड संडे को आ चुका है, और आगे भी आप हर एपिसोड संडे को देख सकते हैं। हमारा शो का उद्देश्य लोगों में मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता पैदा करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद। जिंदगी में गमों का दस्तूर मिला, एक साथी मिला जीवन में, वो भी बहुत दूर मिला। मेरे जिंदा रहते विधवा सी थी मोहब्बत, मेरे जिंदा रहते विधवा सी थी मोहब्बत, और मेरे मरते ही मोहब्बत को सिंदूर मिला। दोस्तों, मैं कैलाश, बड़ा अच्छा लगा कि AK फिल्म्स जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एक सोशल नेटवर्क को लेके, एक सोशल क्रिएटिविटी को लेके बड़ा ही अच्छा मैसेज देते आ रहे हैं। लास्ट वीक जब हम मिले तो कुछ आइडियाज़ थे मन के अंदर, कुछ क्रिएटिविटी थी मन के अंदर, सोचा कि भाई अनिल से साझा करूँ। जब उन्होंने सुना तो काफ़ी मतलब सराहा उस काम को, और जल्दी हम एक शॉर्ट फिल्म लेके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट वर्क पूरा हो चुका है, जल्दी आपके बीच में आएंगे। जैसे ये अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, सोशल जो भी हमारी बुरा जो भी चल रहा है हमारे समाज के अंदर, या आप कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर, डोरी को लेके और अलग अलग थीम्स है उसमें काफ़ी कुछ ये कर चुके हैं, और जब मिले हैं तो कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे और लेके जाएंगे इस मुद्दे को AK फिल्म्स के थ्रू, कि इस मुकाम को हम कहाँ तक पहुँचाएँ वो देखते हैं। बाकी हमारे टीम के मेंबर्स काफ़ी अच्छा काम करते आ रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स में चेक कर सकते हैं। AK फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल चल रहा है, वहाँ पे आप चेक करिए कि काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया है, और आगे भी हम मतलब इसी मुद्दों को लेके, इसी भावना को लेके, इसी जोश उमंग को लेकर के आगे काम करेंगे। हमारी मुलाकात कैसे हुई अनिल और मैं, लास्ट किसी पॉलिटिकल पर्सन के थ्रू
एक पॉलिटिकल पार्टी में मिले जहाँ पे इन्होंने बड़ा ही अच्छा मुद्दा उठाया था। और जो हमारे एक पॉलिटिकल पर्सन है, यूथ आइकन है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं वो भी देश के लिए, एक गुमनाम तरीके से, एक सोशल मैसेज को छोड़ते हुए कि जो एक सोशल मैसेज है कि हमारे जो यूथ जितने भी है उनको जागरूक कैसे किया जाए। प्रीवियस कॉलेज में भी हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहे थे। अनिल एंड मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला के अंदर हमारी एक टीम हुआ करती थी नेशनल सोशल सर्विस, तो वहाँ पे काफ़ी हमने काफ़ी कुछ किया है यूथ के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप हो गए और अपने नुक्कड़ नाटक हो गए। हमारे गुरविंदर सर मुल्तानी जो कि एक काफ़ी प्रभावशाली, जिसे कह सकते एक हमारे लिए यूथ आइकन थे उस टाइम पे, और काफ़ी अच्छा उन्होंने गाइड किया, प्लेटफॉर्म दिया उस समय। बट वो एक लेवल अलग था, जो इस समय हम काम कर रहे हैं एके फिल्म के साथ, जो कि एक अच्छा लेवल हो सकता है। और काफ़ी हमारा विचार है कि एक ऊंचाइयों को छुआ जाए इसको लेकर के, और देखिए क्या होता है आगे। जल्दी आपके साथ एक शॉर्ट फिल्म के साथ, जो कि एक अच्छा मैसेज देते हुए और अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की है। और अनिल भाई साहब है हमारे जो कि उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इंट्रोड्यूस हुए, तो कुछ ऐसा हुआ ना अनिल मेरे से मिल पाया ना मैं अनिल से मिल पाया। काफ़ी माइंड में क्वेश्चन थे कि जिस प्लेटफॉर्म पे अनिल काम कर रहा है सोशल एक्टिविटीज़ को लेके, जैसे कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं कैलाश और मैं एज अ राइटर अनिल के साथ जुड़ रहा हूँ। और काफ़ी खुशी है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके जो अनिल माइंड लगा करके क्रिएटिविटी लेकर के आगे बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ह्यूमन राइट्स अम्बाला का भी एक सेक्रेटरी हूँ, तो हमारा भी काम क्या होता है कि एक सोशल जितने भी अपने मुद्दे हैं या जो हमारी गतिविधियाँ चल रही है उसको जागरूक किया जाए, जो बुराइयाँ हमारे समाज में हैं, जो अच्छाइयाँ हमारे समाज में हैं उसको कैमरे के आगे लाया जाए। पर कैमरा कैसे, कैमरे से मन में स्ट्राइक होता है, दिमाग में स्ट्राइक आता है कि हाँ ये तो बॉलीवुड का काम है। बट जब अनिल का यूट्यूब चैनल देखा तो वहाँ पर लगा कि हाँ अनिल से दोबारा मुलाकात की जाए। जिस पॉलिटिकल पर्सन के थ्रू हम मिले थे, सम्मानित किया जा रहा था हमारे अनिल भाई साहब को एक एड के लिए, तो वहाँ पे मेरी भी कुछ दो तीन पंक्तियाँ थी। तो जब उस पॉलिटिकल पर्सन ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे अनिल यादव जी है जिनका एके ये चैनल है, तब पता लगा ये तो हमारे क्लास फ्रेंड निकले। फिर सोचा चलो मिला जाए और कुछ नया किया जाए। फिर बैठ के बात हुई, थोड़ी गुफ्तगु हुई, थोड़ी पुरानी यादें। तो देखो अब हमारा जो क्या बोलते हैं नेटवर्क है, उस समय तो लगा कि नहीं अनिल सिर्फ अकेला काम कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मन में 100 सवाल थे। बट जब मुलाकात हुई तो वहाँ पे कम से कम 15-16 पर्सन की टीम और काफ़ी मतलब एक्टिव टीम, जिसे कह सकते हैं गुड्डू हो गया, अभिषेक हो गया, अमिताभ हो गया, हमारा जितेंद्र हो गया, काफ़ी टीम थी और काफ़ी मतलब अच्छा काम, कोई एडिटिंग को लेके, कोई कास्टिंग को लेके, कोई कॉस्ट्यूम को लेकर के। पता लगता है कि हाँ कुछ हमारा जो यूथ है, अम्बाला का यूथ है बेसिकली, क्योंकि अम्बाला भी किसी आइकॉन के रूप में उभरा नहीं है, उभरा है तो किसी अलग एक्टिविटीज़ को लेके। एक मीडिया अगर जो चैनल है वो बॉम्बे, महाराष्ट्र, बेंगलोर, एक बड़े मल्टी सिटी जिसे आप कह सकते हो मेट्रो सिटीज़ के पर्सन ही उभरते हैं। बट अरे हमारी उम्मीद है कि एक मीडिया आइकॉन के उसमें, एक कुछ अलग एक्टिविटीज़ के उसमें हम उभरें और अम्बाले को अपना प्रमोट करें। अम्बाला कह सकते हैं कि काफ़ी छोटा क्षेत्र, मतलब अगर हम बात करें एक बॉम्बे लेवल की कि हाँ मीडिया का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि हम एक अम्बाला जैसे छोटे क्षेत्र में हैं, और बॉम्बे जैसे लेवल तक का अगर हमने क्रैक करना है तो इससे आप इसमें जो है वो आप लोगों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि बात करें रणदीप हुड्डा, परिणीति चोपड़ा, जो इस बाउंड्री को तोड़ के एक बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। बट एक या दो नहीं, मैं चाहता हूँ कि सैकड़ों में ये जनसंख्या निकले और बॉम्बे, और बॉम्बे क्यों, मैं चाहूँगा कि वो बॉलीवुड तक अपना, हॉलीवुड तक अपना
एक मुकाम बनाए, एक अच्छा लेवल क्रिएट करे। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम भी उसी राह की ओर निकल चुके हैं। बाकी देखिए क्या होता है। एज अ राइटर मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि राइटिंग कुछ नहीं है, एक ख्वाबों को अल्फाजों का रूप देना है। बाकी दो पंक्तियाँ आपके सामने बोलना चाहूँगा। मायूसी भरा है पर क्या करें, कोई दिखा कर रोए कोई छुपा कर रोए, कोई दिखा कर रोए कोई छुपा कर रोए, हमें रुलाने वाले खुद को आंसुओं में डुबा कर रोए। और कहते हैं मरने का मज़ा तब है यारो जब कातिल भी जनाजे पर आकर रोए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल यादव। यादव नहीं बोलना है क्या? बोलो क्या, चलो यहीं से रख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल यादव द AK फिल्म्स के साथ एक एडिटर के रूप में जुड़ा हूँ। तो AK फिल्म्स के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं आप सबको एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कुछ क्रिएटिविटी करने में या एडिटिंग वगैरह, और एक इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन का भी मेरा जो प्रोफेशन था वो मेरा सीखने का मन था। तो मैंने कोर्स किया, मैं गया कोर्स करने, काफ़ी टाइम लगाया वहाँ, सीखा अच्छे से। तो उसके बाद सीखने के बाद आप सबको पता ही है कि सिर्फ इधर या इंस्टीट्यूट या कहीं से भी सीखने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं और आपको पार्ट लेना पड़ता है उसके अंदर। तो ऐसे ही जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो मुझे भी हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं तो पार्ट लेना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मेन होता है एक्सपीरियंस, तो मुझे एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा हुआ, मेरी इधर उधर अपने दोस्तों वगैरह से बात हुई तो मुझे कहीं से पता लगा द AK फिल्म्स के बारे में, जो कि काफ़ी वीडियोस वगैरह के बारे में बनाते हैं। तो पता लगा मुझे उनके बारे में, तो मैंने उनका पेज ओपन किया एक और उनकी डिटेल्स वगैरह पढ़ी। तो डिटेल पढ़ने के बाद मेरे को वहाँ से एक नंबर मिला, तो मैंने उनसे बात करी। तो जैसा कि फ़ोन पे पूरा प्रॉपर बात हो नहीं पाती, तो बात फिर हमने एक मीटिंग फाइनल करी। तो हमारा मीट हुआ अनिल यादव से। तो जब मैं जाने लगा मैंने कहा पता नहीं कैसे होएंगे और कैसे नहीं होएंगे, डर तो लगता ही, फर्स्ट टाइम फर्स्ट जॉब कर रहे हो या कुछ भी फर्स्ट टाइम करने लगते हो। तो गए, बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करके। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो उनके टॉपिक्स थे वीडियो के, वो सामाजिक, क्या कहते हैं उसे, यहीं से कर लो ना, इसी में चलन दो, सामाजिक मुद्दों, सोशल इशूज़। हाँ, जो इशू जो उनके सारे टॉपिक्स थे वो सामाजिक, क्या कहते हैं, सोशल इशूज़, सामाजिक मुद्दे। हाँ, जो उनके सारे टॉपिक थे वो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे, सोशल इशूज़ पे। तो इससे मुझे ये लगा कि अगर मैं एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग करते टाइम अगर उनका टॉपिक एक इस लेवल को होएगा और मेरी एडिटिंग थोड़ी यहाँ भी होएगी तो मेरी एडिटिंग थोड़ी छुप जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ उसके अंदर। तो उनसे बात हुई, फिर हमने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी उनकी बहुत हार्ड है, मेरी एडिटिंग कम है, लेकिन कब तक ऐसे मैं कम अपना काम चलाऊंगा उसके अंदर। काम नहीं चलाना हमको आगे बढ़ना है। अगर स्टोरी यहाँ है तो मेरी एडिटिंग भी यहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हर बंदा सोशल इशू नहीं देखेगा, अलग अलग टेस्ट होता है हर सबका। किसी को एडिटिंग के बारे में नॉलेज है तो वो देखेगा और कहेगा ये क्या किया हुआ, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो फिर मैंने भी फिर मेहनत करना शुरू कर दी, काफ़ी मेहनत करी एडिटिंग के अंदर, शायद थोड़ा सुधार हो गया वो अब, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है उसके अंदर। तो एक मैं और बताना चाहूँगा आपको, मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे कहा कि बैक एंड कब तक काम करोगे, थोड़ा सा कैमरे के सामने भी आओ। तो एक दो मूवीज़ हैं बड़ी, उसमें मैंने काम करा, काफ़ी अच्छा लगा काम करके।
तो फिर ऐसे ही एक दिन हम सब बैठे थे तो मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा ये बड़ी मूवीज तो जब आएगी आएगी, आप सब इतनी छोटी मूवी बनाते हो उसमें भी मुझे काम दे दो, कभी हम भी आ जाएं उसके अंदर। तो ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने कह दिया, तो इन्होंने उस पर पूरी स्टोरी लिख दी एक कि मैं आऊँगा। तो जब ये मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे ये है लॉकडाउन 3.0, तो मैंने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, आप तो सीरियस ले गए इस बात को, तो कह रहे नहीं अब तो लिख दिया, अब तो काम करना पड़ेगा। तो हमने फिर एक्सपेरिमेंट कर, चलो एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। फिर हमने करा उस पर काम, शायद आपने देखी भी उसको, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा लॉकडाउन 3.0। दोस्तों अभी तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के, लेकिन जैसे आप हो गए या कोई और हो गया, वो मेरे पास आए और कहे कि हाँ काम है और करना है, एडिट वगैरह करना है कुछ, या कुछ भी अन्य दूसरा काम होगा वो करना है, तो करेंगे हम, बिल्कुल श्योर है करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा ना दूसरा बंदा कि इनके जैसा अच्छा होगा, अगर काम में गलती होगी तो वो टॉलरेट नहीं करेगा बिल्कुल भी, वो तो सीधा बोल देगा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं चाहिए। तो उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कर रहे हैं, काफ़ी लगे पड़े हैं मेहनत करने में, जिससे कि कोई दूसरा आए तो उसको हम बहुत अच्छे से अच्छा काम दे सकें। हाँ तो पोस्टर आप सब ने देखा होगा कि पोस्टर का लेवल भी, जहाँ तक मुझे लगता है और मेरे को कई बंदों ने कहा है कि लेवल पोस्टर का यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़ चुका है। या आप ये ना सोचना कि मैं अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा हूँ या कुछ भी अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूँ, ये कई हमारे टीम के मेंबर और फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे कहा है कि हाँ काफ़ी अच्छा काम है और यूनिक भी है। तो हाँ यूनिक सीख रहे हैं और कर रहे हैं, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी पूरी कि यूनिक करते रहें। देखो वैसे तो मेरा प्रोफेशन इंटीरियर एक्सटीरियर और ये एडिटिंग वगैरह का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ वही करना है, यहाँ पे मुझे हर कुछ सीखने को मिल रहा है। कभी एडिटिंग वगैरह तो मैं करता ही हूँ ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन कभी मुझे कहते हैं कि एक्टिंग कर ले, कर लेते हैं ठीक है करी भी है, और कभी आते हैं कहते हैं ले तू कैमरा पकड़ के भी सीख ले। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत, नहीं नहीं जरूरत हर किसी की पड़ जाती है, आप क्या पता आप कौन सी फील्ड में चले जाओ तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो अच्छा लगता है कि सब कुछ धीरे 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 सब कुछ देखने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है, तो सीख रहे हैं और काफ़ी नवे बंदे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे मिल के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने हमारे को कहानी भी अभी एक दो दिन पहले सेंड करी, बहुत अच्छी कहानी थी, उस पर भी हम काम करेंगे और आपके सामने शो करेंगे उसको भी बहुत जल्द। दोस्तों मैं आपको एक बात बतानी है जो बीच में बताना मैं भूल गया। तो हुआ ऐसा कि जब ये काम मैं करने लगा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, थोड़ा ही टाइम हुआ था ज़्यादा नहीं, तो देखा हुआ किसी ने काम, तो एक बंदे की कॉल आई मेरे पास और उसने मुझसे पूछा कि एडिटिंग कर दोगे, तो बात वगैरह हुई, तो मैंने कहा मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई जब दूसरे से काम आ रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। मैंने उसे यस बोल दी बिना कुछ ज़्यादा सोचे साचे बिना, मैंने उसे यस कह दिया। उसने मुझे डाटा सेंड किया, मैंने एडिट किया, तो जैसे हमारा टाइम फिक्स हुआ था मैंने उसको एडिट वगैरह करके उस टाइम पे उसे सेंड कर दिया। लेकिन सामने से जब रिस्पॉन्स आया तो मैंने कहा, मैं भूल गया था कि सामने भी बंदा कैसा हो सकता है, उसको कैसी नॉलेज है कैसी नहीं, इतना मुझे नहीं पता था, मैं कभी इंडस्ट्री या किसी इस साइड गया नहीं हूँ इतना। जब उसने काम देखा और मुझे बोला भाई ये क्या कर दिया तूने, पसंद नहीं आया काम बिल्कुल, मैंने कहा मेहनत तो करी है काम करा, कह रहा नहीं नहीं उसने मेरे को काफ़ी कुछ बोला, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ तक कि उनने मेरे को पैसे तक नहीं दिए। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो पहला बंदा था, अगर आगे से कोई आ गया और उसने मेरे को कह दिया या इससे भी कोई तगड़ा बंदा आके मुझे कहता कि कर दे, फिर तो मैं ऐसे कह ही नहीं पाऊँगा बिल्कुल भी। फिर मैंने कहा करना तो है, तब वहाँ से मेरे अंदर हुआ कि ऐसे सीख के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मेरे को एक्स्ट्रा और कुछ सीखना पड़ेगा।
तब मैंने उसके अंदर और मेहनत मेहनत रात रात को भी जग के सीखा, काफ़ी कुछ सीखा। तो अब लगता है कि थोड़ा काफ़ी आ गया, लेकिन अभी भी चल रहा है, सीखते रहेंगे और काफ़ी आगे तक सीखेंगे। देखते हैं अभी, आप चाहते हैं कि और कोई काम है ताकि बंदा आए और मार को बताए कि हाँ तेरे अंदर अभी ये कमी है, तुझे ये भी करना है। अभी अब तो बस इसमें मज़ा आने लग गया कि हाँ अब तो कमियाँ बताओ हमें ताकि हम उसको पूरी करते चले करते चले। क्योंकि देखो जब तक कमी नहीं पता लगेगी आप कुछ कर नहीं सकते। जब आपको कमी बताने वाले होंगे तभी आप, एक होता है ना सक्सेस होंगे, हेटर्स आएंगे तभी आप सक्सेस पे जाओगे। तो हेटर्स और कमी बताने वाले सारे चाहिए। तो जब मैं तो चाहता हूँ आप कोई आए मुझे बताए कि तेरे अंदर अभी ये कमी है और ऐसा ऐसा नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ काफ़ी बताते भी हैं मुझे टीम मेम्बर्स और काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह जो है बताते हैं कि करो ऐसा अरे ऐसा करो। अनिल यादव जी मेरे साथ बैठ के मुझे कई बार बताते हैं कि नहीं नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा करो आप। तो अच्छा लगता है काफ़ी कि हाँ अभी हमारी कमियाँ पता लग रही है, तो फिर मैं उसको चेंजेस करता हूँ और काफ़ी अच्छे से अच्छा मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और दे रहे हैं बेस्ट। बाकी आगे जैसा होगा मंजूर है खुदा होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी द एके फिल्म्स के साथ एक छोटी सी जर्नी, छोटी सी तो कह रहा हूँ लेकिन अभी बहुत आगे तक लेके जानी है इस जर्नी को और काफ़ी कुछ करना है। बाकी धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मैं भगवान से कामना करूँगा कि आप सब सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं द एके फिल्म्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक्चुअल में प्रोफेशन तो साइंस मार्केटिंग का है, बट मैंने जो पढ़ाई करी है वो कंप्यूटर लाइन की करी है, वेब डिज़ाइनिंग की करी है। बट एके फिल्म्स के साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनका सपोर्टिंग रोल करके या फिर अनदर काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं साइंस मार्केटिंग करते करते ही ये शूटिंग का काम कैसे कर पा रहा हूँ, तो हालांकि इनका काम ज़्यादातर संडे को होता है और संडे को साइंस मार्केटिंग काफ़ी टाइम तक बंद रहती है, उस टाइम काम का बर्डन भी बहुत लो होता है। और जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ तो काफ़ी हद तक ऑब्ज़र्व करता हूँ इनके काम को, पर देखते देखते काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया, फिर मैं धीरे धीरे साथ जुड़ने लगा। अब धीरे धीरे संडे को देखने जाता हूँ, प्लस काम करने में भी अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर से हमेशा हाथ धोते रहें। हमारे द एके फिल्म के साथ जुड़े और अपना सहयोग दें। नमस्कार दोस्तों मैं आपका बलराज हैरी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं द एके फिल्म्स का एक हिस्सा हूँ जिसमें मैं एक अभिनेता के रूप में अपना सहयोग दे रहा हूँ। इस चैनल का एपिसोड 7 जून को शुरू हुआ है जिसका नाम है जिंदगी की एक हकीकत। हाँ दोस्तों, ये हर जिंदगी की हकीकत के ऊपर है। आप देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल द एके फिल्म्स। दोस्तों अगर आपके पास हुनर है तो आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं द एके फिल्म्स। हमारे चैनल के माध्यम से, इसके साथ ही हमारी टीम सामाजिक मुद्दों पर फिल्म के जरिए सक्रिय है। दोस्तों इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है और वो रास्ता है हमारा चैनल द एके फिल्म्स। दोस्तों हर किसी के अंदर एक उम्मीद
होती है कि हम कुछ बने, कुछ करें। कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई फाइटर बनना चाहता है, कोई जिम करता है, कोई फिल्म कलाकार बनना चाहता है। तो कि फिल्म कलाकार जिसके अंदर हुनर है वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, दा एके फिल्म से। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे हिंदुस्तान को एक बहुत ही भयंकर महामारी ने घेर लिया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों इसका इलाज नहीं है कोई, एक इलाज बीमारी है, लेकिन इसका इलाज एक ही है कि हम घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों मैं सभी से उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा ये चैनल दा एके फिल्म्स पसंद आए, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना और हमारी फिल्म का, हमारे इस चैनल का हिस्सा बनना ताकि हम आपको और आगे पहुंचा सकें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं अमिताभ भारती आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम करता हूं। दोस्तों मैं द एके फिल्म्स कंपनी से जुड़ा हूं, काम कर रहा हूं। इसमें डायरेक्टर अनिल कुमार यादव जी हैं, जो उनके साथ काम करने का अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हर किसी नवा कलाकार अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है और उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हाँ ये मास्क लगाना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं आपका फ्रेंड अर्जुन जौनपुरिया। दोस्तों आप लोगों के बीच में आज एक बात बताने आया हूं कि मैं द एके फिल्म्स कंपनी से जुड़ा हूं और इस कंपनी से काम करता हूं। मुझे इस कंपनी से जुड़ के, इस कंपनी से काम करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी के डायरेक्टर सर हमारे अनिल कुमार यादव जी हैं और उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट किया, इनको भी मैं दिल से अपने थैंक यू कहना चाहता हूं। तो दोस्तों जो भी न्यू कलाकार इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, हम सब कलाकारों से मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस कंपनी से जुड़ें और हम सब कलाकारों के साथ में मिलकर काम करें। तो दोस्तों हमें असल में पूरा विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि नीचे दिए गए पैराग्राफ में अनिल कुमार जी का नंबर कॉन्टैक्ट है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अनिल कुमार जी से संपर्क करें। तो दोस्तों इस कंपनी से जुड़ें और हम सब कलाकारों से मिलकर काम करें। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि आज के दौरान में लॉकडाउन के पीरियड चल रहा है, तो इस नियमों का विशेष तरह पालन करें और केयर करें, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को भी दिल से लव यू और थैंक यू कहना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार एक्टर, हमारे तरफ से नमस्कार। और एके फिल्म्स कंपनी से मैं काम करता हूँ, डायरेक्टर अनिल कुमार यादव। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लॉन्ग मूवी, शॉर्ट मूवी मिलते हैं, उनके साथ काम करने से मेरे बहुत अच्छा और बहुत प्यार दुलार मिले हैं। और अब भी आपको भी कहूँगा जो दर्शक मेरे से, आप इस कंपनी से काम करना चाहते हैं तब इससे कॉन्टेक्ट करें प्लीज़, और घर से बाहर न निकले और घर में मास्क लगाएं और सुरक्षा में रहें। बाय। साले दो दिन के लवंडे, ना सुनने की आदत ना बा, ठीक है हमके इस बार सरपंच बने के हाथ बने के हाथ। हाय हाय छोरी, अब मार ही डालोगी क्या? चल हट।